बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाजी अली दरगाह के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा हाजी अली की दरगाह समंदर के बीचों बीच में बनी हुई है और हाल ही में किसी तरह से मुंबई में भयंकर और ज़ोरदार बारिश हो रही है और किस तरह से पूरे शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है। और यही नहीं, ज़ोरदार बारिश होने की वजह से समंदर का पानी भी उफान मारने लगा है। ऐसे में समंदर के बीचों बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली की यह दरगाह का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है जिसको देखकर आज पूरी दुनिया के लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। पानी की ताकत को आप सब लोग जानते ही हो, और ख़ास करके जब भयंकर और ज़ोरदार बारिश आ जाए या फिर समुद्री तूफान आ जाए तो फिर आसपास की बस्ती का क्या हाल होता है, आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता है और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता है, और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां तबाह और बर्बाद होकर रह जाती हैं। जैसे कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मुंबई में समंदर के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की मज़ार है, एक दरगाह बनी हुई है जिसको सारी दुनिया बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि अलैहि सलाम के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली के इस दरगाह के बारे में ना जानता होगा। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह कहे जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली के इस दरगाह के बारे में ना जानता होगा। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह कहे जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और इसकी ज़ियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मज़ार मुंबई में मौजूद एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर धर्म और हर मज़हब के लोग यहाँ पर खड़े होकर ज़ियारत करते हैं और अपने घर वालों के लिए मन्नत मांगते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसी मज़ार है जहाँ पर धर्म और मज़हब के कोई बंधन नहीं है। इस दरगाह में हज़ारों की तादाद में हर रोज़ यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह अपनी खास करामतों और अपने करिश्मों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। बाबा हाजी अली, यह दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि सलाम की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे मन से कोई बात बोलता है या कोई मन्नत मांगता है तो फौरन ही यहाँ पर मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में मौजूद समंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे खास और अहम बात तो यह है कि इसको ज़मीन से कम 500 कस दूर समंदर के अंदर बनाया गया है। इसलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया है। यह पुल ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है। यह पुल दोनों ओर से समंदर के पानी से घेरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा पानी की लहरें और समंदरी तूफान आते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पुल को बंद कर दिया जाता है। फिर उस पुल से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा पाता है, ना ही फिर कोई दरगाह से वापस बाहर की ओर आ सकता है। और यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का
सबसे बड़ा करिश्मा तो यह है कि समंदर तूफान और भयंकर बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक कतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इस दरगाह का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। याद रखें, अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई भी तूफान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। बाबा हाजी अली की दरगाह भी एक ऐसी ही करामत है, और यह वह है कि मुंबई के अंदर चाहे जितनी भयंकर और ज़ोरदार बारिश क्यों ना आ जाए, चाहे जितने भी बड़े बड़े भयंकर समुद्री तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे समंदर के पानी में कितना भी बड़ा सैलाब क्यों ना आ जाए, लेकिन बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं जा सकता है। और समंदर के इस पानी की क्या औकात है कि वह बाबा हाजी अली की चौखट को भी पार कर सके। और हर कोई आपकी इस करामत के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हाल ही में मुंबई में कितनी भयंकर और ज़ोरदार बारिश हो रही है, यही नहीं साथ ही साथ समंदर में तूफान भी आ रहे हैं, जिसकी चपेट में आज पूरा मुंबई शहर आया हुआ है। ना जाने कितने लोग इस वजह से बेघर हो गए हैं, कितने लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है। आज मुंबई में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में आप जरा सोचिए कि समंदर का पानी कितने उफान पर आ गया होगा। इस कुदरती आफत में लोग अपनी अपनी जानों माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन बाबा हाजी अली की करामत देखिए कि जिस वक्त पूरे मुंबई शहर में पानी तबाही मचा रहा है, समंदर के अंदर लहरें मचल रही हैं, ऐसे में समंदर के बीचों बीच में बाबा हाजी अली की दरगाह बड़ी शानों शौकत के साथ में चमक रही है। इस भयंकर और ज़ोरदार बारिश में पानी का एक कतरा भी आपकी मज़ार शरीफ के अंदर नहीं जाता। हाल ही में समंदर के पानी का भाव इतना ज़्यादा तेज़ हो गया कि आपकी मज़ार के चारों तरफ पानी की तेज़ लहरें मचल रही हैं। आपकी मज़ार के पास तेज़ लहरें आती तो हैं, मगर मोहब्बत भरा सलाम पेश कर वापस लौट जाती हैं। सुभान अल्लाह। सदियों से कायम समंदर के बीचों बीच में बनी बाबा हाजी अली की दरगाह ने सबको चौंका कर रखा है। मुंबई में तेज बारिश की वजह से समंदर में इतना ज़्यादा पानी आ गया है कि समंदर फटने लगा है, मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद भी आपकी मज़ार शरीफ के अंदर नहीं पहुंच पाती है। आज बाबा हाजी अली के इस करामत को देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है। समंदर में पानी का इतना ज़्यादा तेज बहाव होने के बाद भी इस मज़ार के अंदर पानी क्यों नहीं जाता है, इसके पीछे भी दोस्तों एक वाक्या है, हम आपको बता देते हैं। बाबा हाजी अली शाह बुखारी जब अपनी माँ से इजाज़त लेकर पहली बार जब कारोबार करने के लिए अपने घर से निकले थे, तब आप मुंबई के इस वर्ली इलाके में आकर रहने लगे थे। यहीं पर रहते हुए आपने महसूस किया कि आप अपने आगे की जिंदगी हिंदुस्तान में रहकर इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हुए गुजारेंगे। बस यही सोचकर फिर आप वर्ली इलाके में रहने लगे थे। थोड़े दिनों बाद बाबा हाजी अली शाह बुखारी ने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखकर इसके बारे में जानकारी दे दी, और उसके बाद में आपके पास में जितना भी माल था, जितनी भी दौलत थी, वो सब आपने गरीबों में और बेसहारा लोगों में बांट दी, और इसके बाद में आप इस्लाम का प्रचार प्रसार के लिए निकल गए। अपने जीवन से जुड़ी हुई हर चीज़ गरीब लोगों में बांट देने के बाद में बाबा हाजी अली शाह बुखारी सबसे पहले के मुकद्दस सफ़र पर गए और अपना हज मुकम्मल किया, मगर फिर इसी सफ़र के दौरान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली को सुपुर्द खाक अरब में ही होना था, लेकिन उनका ताबूत अरब सागर में हुआ, मुंबई के इसी वर्ली इलाके में आकर रुक गया था, जहां पर आज की उनकी दरगाह शरीफ ब
बनी हुई है। इसमें करिश्मे की बात यह है कि इतने बड़े समंदर में बाबा हजी अली का ताबूत ना तो समंदर में कहीं पर रुका और ना ही कहीं पर वह डूबा, और इतने बड़े समंदर में ना ही ताबूत के अंदर पानी गया। इसके बाद बाबा हजी अली की यह करामत जब लोगों ने देखी तो उसी जगह पर, यानी कि जहां पर वह ताबूत आकर रुका था, उसी जगह पर आपका मजार शरीफ बना दिया गया, यानी कि दरगाह बना दी। आज भी जब समंदर में तेज लहरें आती हैं या फिर कोई भयंकर तूफान या जोरदार बारिश आती है तो कभी भी समंदर का पानी इस दरगाह के अंदर नहीं जाता है। यह इस्लाम की सच्चाई की एक बहुत बड़ी निशानी है। अवलिया अल्लाह की एक ऐसी करामत देखकर यकीनन ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। ऐसी करामतों को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बेशक अल्लाह के वली आज भी अपने मज़ारों के अंदर जिंदा हैं। वह इस दुनिया में रहकर भी बादशाहत कर सकते हैं और पर्दा फरमा जाने के बाद भी उनकी बादशाहत कायम रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना। ऐसे ही इस्लामिक वीडियो और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम।